थोड़ा पेट पूजा करेंगे इधर पीछे, और जो बोट का कॉस्ट है वो है। अगर मैं मुझे क्रोकोडाइल ले भी गया ना तो अच्छी बात है, मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ा। हाई फाइव। तो हर कोई अपना अपना कुर्सी की पेटी बांध लो। मैं इतनी शक्तिशाली हूँ कि मैं इसको एक थप्पड़ भी मार सकती हूँ। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ परी। और मैं हूँ ब्यासी। और मैं आयु। मैं हूँ इनकी पापा, इनकी मामू, इसकी पापा, उनके मामू। क्या बात है सर, क्या बात है सर। पापा और प्यारे मामू दोनों को पूछो पूछो प्रियांशी। हाँ? मैं प्यारा मामू हूँ कि नहीं? यस। हाँ, दीदी को आज स्कूल जाना नहीं पड़ा। तो ब्लॉग के बारे में जल्दी से बताओ। अभी सुबह का टाइम हो रहा है 5:30। ये लोग 3:30 को उठे थे, 2 घंटा लगा इनको रेडी होने के लिए। अरे पापा जल्दी रेडी हो गए। आदि को देखो रेडी होके सो गया फिर से। आदि और आदि को सबसे ज्यादा टाइम लगा। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा ब्लॉग क्या है आज। हम लोग जा रहे हैं भितरकनिका। भितरकनिका जो है वो उड़ीसा का एक फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और वहाँ पे क्रोकोडाइल ये सब जो होते हैं उनका सेंचुरी है। यानी वो जो क्रोकोडाइल होते हैं वो 15 to 21 to 23 feet तो वो वहाँ पे जाके सब दिखेगा। ओके, तो यहाँ से जो भुवनेश्वर से जो भितरकनिका है वो अराउंड 160 किलोमीटर है। 3 and 3.5 hours लग जाएगा। 160 कुछ। तो चलिए चलते हैं। ओके, देखते हैं कितना टाइम लगता है, रोड कैसा है, वहाँ पे प्रोसेस क्या है। ओके दीदी, आर यू एक्साइटेड? यस, मैं तो एक्साइटेड हूँ। और बैंगलोर में चाह रहे थे जा सकता है हमारे साथ। हाँ, बस इसको हम लोग ऐसे पकड़े हैं। लेकिन आयु जब बड़ा हो जाएगा उसको हम लेकर जाएंगे। और मेरा बाल खींचना मत करना। और हम तीनों ना क्रोकोडाइल के ऊपर बैठ कर सवारी लेंगे। कुछ भी, कितना बदमाशी करता है आयु। मेरा भाई तो यहाँ पे कुंभकर्ण जैसे सो रहा है। तो साथ में और कौन कौन जा रहे हैं मैं बता देता हूँ। साथ में ये जा रहे हैं मम्मी जी। हाय बोल दो मम्मी जी। हाय। और ये है परी की मम्मी। मम्मी जाने के लिए रेडी हुए हैं। जाने के लिए रेडी हुए हैं। तो फाइनल चले। चलो चलो। क्या हुआ? वो कुछ बोलना चाहता है। क्या हुआ भांजी? मुझे भी ले लो। ऐसे बोल रहा है। ये क्या हाफ पैंट पहना है? नहीं, इसका ये थोड़ा उसको बड़ा हो गया था, तो कट कर दिया। बड़ा? हां बड़ा कट कर लिया सीधा। सो परी, प्रियांशी, नींद कैसी हुई? बहुत अच्छा वाला नींद हुआ। पहले तो दीदी मेरे गोदी में सोए थे, फिर उठे, फिर सोए, फिर उठे, फिर सोए, फिर दोनों ऐसे करके सो गए। तो अभी हम लोग राजनगर पहुंच गए हैं। ये केंद्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट पे आता है, और अभी बस 20 किलोमीटर है। थोड़ा पेट पूजा करेंगे। इधर पीछे कुछ एक मेरे को दिख रहा है, राघवेश्वर होटल स्वीट्स। चलो देखते हैं क्या खाने को मिलता है, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्या खा रहे हो आप लोग? ये तो नहीं, क्या खा रही हो? मैं खा रही हूँ पूरी, समोसा और सब्जी। मैं भी वही खा रही हूँ, पूरी समोसा सब्जी। हेलो, टेस्ट कैसा है? ओके ओके, समोसा अच्छा है, सब्जी अच्छा लग रहा है। तो अभी हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है। हाँ, और अभी दीदी को वॉशरूम जाना है, तो फिर हम उनको बोल रहे थोड़ा सा कंट्रोल करो, आगे हम कहीं और मतलब एक वॉशरूम का कर लेंगे। और चलो अभी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। और आधा घंटा लगेगा पहुँचने के लिए। आधा घंटा लगेगा, लेट्स गो। तो फिर अभी हमारे जो कार के नीचे एक डॉग सो रहा था, गया था बहुत टाइम तक। हम उसको निकालने की कोशिश कर रहे थे, नहीं निकल रहा है। अभी फाइनली शायद वो निकल गया। और नेक्स्ट टाइम ज़रूर ध्यान रखना, जब भी आप पार्किंग में रखोगे ना, तो फिर क्या हो अगर नीचे कोई डॉग या फिर कैट सो रहा होगा और आप लिटरली उसके ऊपर से गाड़ी चला कर निकल जाओगे। सो बी केयरफुल एवरीवन। या इट्स गोना बी रियली बैड। ओके, चलो कंटिन्यू करते हैं। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। सो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं गुप्ती, जो कि भितरकनिका का एक जेटी पॉइंट है। हमारे साथ सर हैं। क्या है सर? त्रिदेव कुमार प्रधान। तो सर थोड़ा सा हमको आइडिया देंगे कि जो भितरकनिका है कितना मतलब यहाँ पे पॉइंट है, और गुप्ती पॉइंट जो है वो किस लिए खास है। गुप्ती राइट? मैं गुप्ती। गुप्ती
तो सर थोड़ा बता दीजिए, हमारे जो व्यूअर हैं उनको भी थोड़ा आइडिया मिल जाए। गुप्ती ये के लिए खास है क्योंकि आप उधर से और क्या क्या, पहले बता दीजिए कि क्या क्या पॉइंट है एक्चुअली यहाँ पे, कितना जेटी पॉइंट कितना है? एक गुप्ती है, हाँ, एक डांगमल, ओके, और एक हमारा चांदवाली, चांदवाली, और एक खोला, खोला, हाँ, जयनगर, ओके। तो ये चार डिफरेंट जेटी पॉइंट है जहाँ से आपको बोट मिल सकता है जी। तो गुप्ती क्यों खास है, मतलब डिफरेंट क्या है गुप्ती? गुप्ती से आप लोग जाएंगे तो दो से ढाई घंटा आपको जर्निंग, बोट जर्निंग होगा, ओके, इसलिए वो थोड़ा खास है, ओके। और बहुत भी क्रोकोडाइल आप देख सकेंगे उस तरफ जाएंगे तो, ओके। मगर उधर से जाएंगे तो 40-45 मिनट ऐसे ही इसी टाइम पे आप पहुँच जाएंगे। और एक चीज मुझे लगा कि गुप्ती आने के लिए थोड़ा मतलब बाय रोड ज़्यादा जल्दी आप पहुँच जाओगे, रोड भी अच्छा है और आपको मतलब जंगल के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, राइट? हम जब भी इधर आए पूरा विलेज होके आए अभी, बट डिफरेंट जो पॉइंट है मुझे लगता है खोला जैसे है वो शायद विद इन जंगल के अंदर है, वो शायद जंगल का अंदर नहीं, नहीं है, वो मेन रोड, वो भी मेन रोड पे है क्या? तो चलिए देखते हैं आगे। सार ने सारा अरेंजमेंट हमारा किया है, बोटिंग वगैरह, और ये जो आप देख रहे हो ये ऑफिस कौन सा है सर? फॉरेस्ट का ऑफिस है, गुप्ती फॉरेस्ट ऑफिस है। तो यहाँ पे अगर कोई आते हैं तो उनका खाने वगैरह का क्या प्रबंध होता है, कैसे होता है? नाइट हेल्ड करेंगे तो हमारे उधर होता है, ओके, मगर डे टू स्टे आते हैं तो बाहर पे होगा, ओके। तो यहाँ पे होस्ट खाने के लिए कैंटीन है, पहले से बताना होता है उसके लिए? नहीं नहीं, कैंटीन डे टूरिस्ट के लिए नहीं है, टूरिस्ट के लिए नहीं, नाइट के लिए, नाइट टूरिस्ट के लिए जी। तो वो बुकिंग वगैरह कैसे करना होता है यहाँ पे? वो ऑनलाइन पे होता है, ऑनलाइन भी होता है, odishaequator.com पे होता है, ओके, वहाँ पे होता है जी। तो वैसे हमारा जो प्लान है आज रिटर्न करने का, क्योंकि बच्चों का स्कूल है, नहीं तो मैं रहने का मतलब कभी और एक बार प्लान करूँगा, बट इस बार हम यहाँ पे डे टूर है। तो चलिए हमारे साथ आगे एक्सप्लोर करते हैं क्या है भितरकनिका और कैसा एक्सपीरियंस है, आगे चलो देखते हैं। तो अभी आप जैसे देखे पीछे एंट्री के लिए आपको पर हेड 50 रुपीज़ लगता है, वो मैंने टिकट कर लिया, और जो बोट का कॉस्ट है वो है 5,200 रुपीज़। और आपको अगर रहना है तो वो ऑनलाइन आपको बुक करना होगा, और एसी रूम जो है उसका चार्जेस है 3,500 समथिंग इंक्लूडिंग 3 टाइम फूड। तो ये चार्जेस है यहाँ पे अगर आप आते हो। और अभी जैसे आपको मैंने बताया कि हम लोग रुके हैं अभी, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट जो हमारा है वो गुप्ती, ओके। और रूबी को बहुत डर लग रहा है मगरमच्छ के साथ जाने के लिए, बट ऐसा मत सोचो कि मैं आपको अकेला छोड़ दूंगा, अगर आपको मगरमच्छ खींचेगा भी ना तो धक्का नहीं दोगे? नहीं, धक्का नहीं दूंगा, मैं खींचूंगा आपको। वो नीचे देखो अच्छा कितना अच्छा ब्रिज है, मतलब ऐसा सिर्फ नीचे क्रोकोडाइल है क्या? देखो थोड़ा, नहीं है मुझे डर नहीं लग रहा है, मुझे डर नहीं लग रहा है, बिकॉज अगर मैं मुझे क्रोकोडाइल ले भी गया ना तो अच्छी बात है, मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। हाई फाइव। ये लोग स्कूल से इतना डरते हैं क्या? तो ये है हमारा जो बोट जेटी पॉइंट, जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ ओडिशा जो है वो इसको मेंटेन कर रहे हैं, और उनका बुकिंग काउंटर भी वहीं पे है, आप इधर आके भी बुक कर सकते हो। अगर सीजन टाइम पे आते हो जहाँ पे टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं तो आपको पहले से बुक करना पड़ेगा, ओके। और ये सब बुकिंग ऑनलाइन हो जाता है, ऑनलाइन साइट क्या है वो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप देख लेना। आदि और आदि के फ्रेंड ऑलरेडी जाके अंदर बैठ चुके हैं, ओके, विंडो सीट चाहिए। और चलो सर, आप भी थोड़ा अपने आप को थोड़ा इंट्रोड्यूस करवा दीजिए, आपका नाम? प्रदीप सर। प्रदीप, प्रदीप, अगर किसी को बोट लेना है तो पहले से बुकिंग चाहिए? हाँ, बुकिंग चाहिए। क्या आके भी इधर डायरेक्ट कर सकते हैं? नहीं डायरेक्ट नहीं, बोट पहले से बुकिंग कर लेना चाहिए, नहीं तो मिलने मतलब पीक टाइम पे मिलने का चांसेस थोड़ा डिफिकल्ट है। ओके, ठीक है, आप आएंगे ना साथ में? हाँ, तो सर हमारे साथ में आएंगे। ओके, तो कैसे पायलट? ओके, हम आपको तो इंट्रोड्यूस करवाना ही भूल गए। ये हैं हमारे शारदा भाई जो के पापा का जूनियर हैं, पापा का भाई है, अभी वो आदि का फ्रेंड है, पापा का फ्रेंड नहीं है। तो हर कोई अपना अपना कुर्सी की पेटी बांध लो, जाफरीगन कुर्सी का पेटी बांध लो। हाँ, अभी स्कूल बस जैसा दिख रहा है जो कि पानी में है। क्या बंजी? स्कूल बस जैसा दिख रहा है ये जो कि पानी में है। आपका, और उसके साथ क्रोकोडाइल। आपका उधर आंख देखो,
कुछ है क्या? चिल्लाना नहीं है, इतना दोनों बहने दूर दूर क्यों बैठे हो? पास नहीं बैठे, विंडो सीट है ना, मुझे भी विंडो सीट। इधर आगे और भी विंडो सीट है ना, वही तो आगे। इधर आजा परी, क्या बोल रहे हो आप? अभी डर नहीं लगा क्यों? लाइफ जैकेट है, अच्छा है ये, अच्छा है, हाँ अच्छा है, सेफ्टी है, सेफ्टी है। हाँ। मामा बहुत टेंशन में थे है ना, और ये जो हमारी धर्म पत्नी, हाँ। ये गाड़ी में पूरा मेरे को पागल कर दिया था कि क्यों ऐसे छोटा बोट किया, ये वो डर लगेगा। अभी ठीक है, ओके है, जब मगरमच्छ देखोगे जब, हाँ, तब शायद पता नहीं डर लगेगा यार, क्या है उस टाइम में, उस टाइम क्या बताऊंगे। तो फिर अभी हमारा जर्नी स्टार्ट हो चुका है, जो कि बहुत दिनों से मेरा प्लान था, और ये जितने लोग आप फैमिली देख रहे हो ना, इनको बहुत मुश्किल से मैं मना के लेके आया हूँ। मतलब मुझे ये सब एडवेंचरस अच्छा लगता है, बट फैमिली को मोटिवेट करना बहुत डिफिकल्ट है। ओके, ये बड़ी अच्छी बात कही है। क्या हुआ बताओ? ज्यादा आगे जाना नहीं बोल रहे हो, ऐसे करके खींच लेंगे पीछे बोल रहे हो। जो पीछे जो बोट है वो वुडन बोट है, तो आप जब इधर बोट के लिए आओगे तो आपके पास एक वुडन बोट रहेगा और एक जो मेटल का बोट है। अगर आप वो वुडन वाला बोट लेते हो तो वो 3000 पे हो जाता है, अगर थोड़ा ये मेटल बोट लेते हो तो ये आपको और 2000 एक्स्ट्रा पे करना होता है। लिटरली अभी तक थर्ड टाइम। दीदी कैसे लगा? ओह, इट्स मूविंग, हिल रहा है लिटरली। सो यहाँ पे जो हमारे जो क्रोकोडाइल हैं, इनका खाने के बारे में थोड़ा बताइए कि क्या खाते हैं, कैसे? नहीं नहीं, ये मछली खाता है, क्रॉप खाता है, और गांव का पास जो काऊ रहता है, और गोट, हाँ आसपास ये करके बहुत सारे गोट हैं, हाँ वो भी गोट खाता है, वो भी खा लेते हैं, हाँ जो पास आ जाएगा इसको पकड़ के तो चला जाएगा पानी के अंदर। तो ऐसे बहुत सारे गोट ऐसे जाते हैं, हाँ ऐसे जाते हैं, गोट काऊ ऐसा है। और यहाँ पे लोग भी रहते हैं क्या? हाँ, बस्ती तो दिख रहा है, हाँ आसपास गांव है, तो उनको प्रॉब्लम नहीं होता? प्रॉब्लम जो इनको तो पता है, इनको नदी में क्रोकोडाइल है इसलिए, हाँ, नहीं आता है, हाँ, जो आता है रिक्स लेके, कभी कभी भी ऐसा होता है अटैक कर देता है। तो उनको पानी कहाँ से मिलता है? ना गाँव में है, जो ट्यूबवेल है, नलकूप है। ओके, ये नेशनल फॉरेस्ट क्लोज कब रहता है? मई मंथ में से अगस्त से ओपनिंग होगा। ओके, और अभी यहाँ पे काउंट कितना है अभी क्रोकोडाइल का काउंट? पर्टिकुलर तो मतलब 1800 ज़्यादा है, 1800, हाँ वैसे ही कुछ है। पानी के ऊपर रहता है मैंग्रोव्स? नहीं, पानी के अंदर। ओके, कहाँ? बेबी वाला देखो, एक छोटू वाला देखो, ओ वो रहा, ये वाला, हाँ ये देखो अभी बेबी वाला, छोटू वाला वाइट कलर, हाँ परी, हाँ कितना सुंदर बर्ड से देखो, है ना परी? हाँ वाओ, इसका नाम क्या है? क्रेन। ओके, उड़िया में सारंग, इंग्लिश पे क्रेन। नहीं, सो रहा है अभी, रेस्ट कर रहा है, खाना खा के। हाँ देखो साइज देखो परी, वो सामने डियर देखो परी, तुमको दिख रहा है डियर? थ्री डियर्स, वाओ कितने क्यूट डियर्स हैं। ये क्या है परी? मॉनिटर लिजर्ड। सामने आप देखो भाई, सामने देखो, ये मूव कर रहा है, बस देखो आप, यही मैक्सिमम कैपेसिटी है जूम करने का, इससे ज़्यादा मैं जूम नहीं कर सकता हूँ। ओके, तो यही एक्सपीरियंस आपको करने को मिलेगा। हम अभी तक लिटरली 7 क्रोकोडाइल्स देख चुके हैं। यस, और ये जगह जो है ये प्लास्टिक फ्री जोन है, तो हम लोग जो ये खा रहे हैं इधर जो बोट है उसमें डस्टबिन है, हाँ वहाँ पे गिर गए। एक्सपीरियंस कैसा है, कैसा लग रहा है? मज़ेदार, ऑसम। इधर तुम्हारे फ्रेंड लोगों को आना चाहिए? हाँ, यू बेटर कम, रेकमेंडेड। बस सेफ्टी लेकर आना, अगर क्रोकोडाइल खा लिया तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो अभी गुप्ती से हम निकले थे, अराउंड 1.5 आवर हमने बोट पे
जो लाइव क्रोकोडाइल एक्सपीरियंस किया। अभी ये जो हम पहुँचे हैं इसको बोलते हैं डांगो माड़ो। तो ये भी और एक जेटी पॉइंट है। यहाँ पे कुछ कुछ आई थिंक चीज़ें हैं जिसको जाके एक्सप्लोर करना है। तो चलिए पहले बोट से नीचे उतरते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या है आगे। लिटरली बस आने के टाइम में हमको 24 मिला, तो जाने के टाइम में अगर ऐड करेंगे तो फिर 48 मिल जाएगा क्या? और परी, सकते परी हाँ। यहाँ पे एक व्हाइट क्रोकोडाइल देखेंगे जिसका नाम है गौरी, गौरी। वो परी प्रियांशी दीदी जैसे व्हाइट, वैसे व्हाइट कलर का गौरी है वो। और मेरे जैसे कोई गौरी है? गौरी जैसे कोई एक भी क्रोकोडाइल नहीं। गौरी है कि गौरी है? गौरी, गौरी गौरी। तो ये पीछे जो है ये डांगो माड़ो बोल के है जेटी पॉइंट, और ये मेन जेटी पॉइंट बोलते हैं क्या यही? तो जो लोग आते हैं आई थिंक ये जो आइसलैंड है इसी में जो फॉरेस्ट का आईबी है वहाँ पे लोग रहते हैं। बुकिंग हमेशा ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन कुछ बुकिंग नहीं होता है। तो ये है फोटो पॉइंट, अभी यहाँ पे फोटोग्राफी थोड़ा करेंगे, है ना रूबी? हाँ। क्या बोलते हो, क्या करेंगे अभी? अभी इधर फोटो लेंगे, थोड़ा फोटो लेंगे। हाँ, इधर उड़िया पे लिखा है भीतर कनिका, इंग्लिश में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है ऊपर। सो गाइस ये है कालिया। हम लोग अभी एक बहुत ही बड़ा क्रोकोडाइल देखे लैंड में, एंड मैं इतनी शक्तिशाली हूँ कि मैं इसको एक थप्पड़ भी मार सकती हूँ, बट ये मुझे कुछ नहीं करेगा बिकॉज ये मुझसे डरता है। हाँ जी, वो अलग बात है कि ये एक स्टैचू है और हम इधर बेकार का एक्टिंग कर रहे हैं, बट चलता है। ये बेबी डियर है। हाँ। और ये कौन सा डियर है? मम्मी डियर। अच्छा, आदू डरता है। मामा थोड़ा साइड हो जाओ, ये वाला डियर में बैठेगा। ठीक है। अच्छा, ये बेबी है। ओहो, इसका सिंग नहीं है, मतलब ये बेबी है बोल रहा है। सो फ्रेंड्स, अभी हम यहाँ पे एक रिसोर्ट बुक किए हैं, चलो चलते हैं। यू नो व्हाट, वी शुड नॉट गो। अरे डांट पड़ेगी। सो ये एक रिसोर्ट प्लेस है जिधर आप लोग स्टे ओवर कर सकते हो, बट हमारा स्कूल है तो इसलिए हम लोग नहीं जा रहे। हमारा तो नहीं, मेरा है, इसका ट्यूशन है, तो चलो चलते हैं। धीरे 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 धीरे। अरे दीदी, हम इनके ग्रुप में क्यों आए? हम तो आगे थे ना। चलो हम आगे ही चलते हैं। बाय कैमरामैन, हम आपको ओवरटेक करेंगे। बाय। कैसा लग रहा है मम्मी जी? मम्मी जी को भी अच्छा लगा। अच्छा लगा। हाँ। मम्मी का खाना? खाना भी है। खाना भी है। फ्रूट है। फ्रूट है। हाँ। अंदर एक म्यूजियम है, तो फिर चलो देखते हैं अंदर क्या है, म्यूजियम में क्या है, क्योंकि हमको जूता खोल कर जाना पड़ेगा। तो म्यूजियम के अंदर आप ये सब देख सकते हो। फौरी और प्रियांशी थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे हैं क्या क्या है उनके बारे में लिखा है। यहाँ पे स्केलेटन सब है और आई थिंक स्नेक्स भी है क्या आगे? बहुत सारे स्नेक्स है, डिफरेंट डिफरेंट स्नेक्स। देखो तो ये कालिया जैसे, यहाँ कालिया नंबर वन, कालिया नंबर टू, ये दोनों का एक एक दांत नहीं है, ये टूट गए हैं, दांत फुफलू हो गए हैं। हाँ। Hey, do you know crocodiles के टंग नहीं होते, मतलब टंग होते हैं बट वो हिला नहीं सकते वो टंग। या वैसे। तो फिर ये क्रोकोडाइल्स नहीं, ये डॉल्फिन्स हैं। लेकिन ये तो नीचे वाला जो है ये क्रोकोडाइल लग रहा है क्या? छोटू वाला है। सारे डॉल्फिन्स हैं। This complete skeleton size 19 feet 8 inches, length almost 20 feet, recovery 2005 ऊपर वाला, नीचे वाला 17.2 inches, recovery 2007. After natural death and collection from Bhitarkanika river, this one almost 20 feet means Guinness Book of World Record skeleton है ऊपर वाला, but alive वाला जो Bhitarkanika नदी में है सबसे largest है, that one 23 feet ये सबसे largest one in the whole world, in the in Bhitarkanika world नहीं, world तो Niles 41 feet ये। Actually these are salt water crocodile because the sea is near, so the brackish water that local are named Bowla. But Kalia, Gori, Molly, these are the name of a crocodile at Bhitarkanika, but all are salt water crocodile. Okay. No? And Bhitarkanika mein dolphins bhi bahut sare hain. Hey, hey, hey. This one 18 feet crocodile ka head, sambar, deer, black buck, dolphin, male, female, wild bull. Oh, wala ka life animals or jinda animals Bhitarkanika hai. Ye sare real hai matlab? Haan, real hai. Ye bhai. Oh, wala natural death ka baad 10% formalin ka preserve hai. King cobra, banded cat, python, snakes. This one nice thing, look here, this one dead crocodile before hatching, just hatch and dead.
पाइथन एक उसका मुंह दिख रहा है थोड़ा थोड़ा ये सो 20 साल का पुराना फॉर्मालिन चेंज हुआ 10% फॉर्मालिन का प्रिजर्व हुआ आई गेस तो फिर अभी हम जा रहे हैं क्रोकोडाइल हैचरी एंड रेयरिंग कॉम्प्लेक्स तो फिर यहाँ पे हम देखेंगे क्रोकोडाइल कैसे हैच होना है अंडे के बच्चे हैं वो सब चलो चलो चलते हैं ओ ये देखो कितने सारे बेबी क्रोकोडाइल हैं पानी में कितने सारे हैं हाँ एक और वहाँ कॉर्नर में देखो दो तीन चार एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह इधर भी है क्रोकोडाइल्स देखे इधर थोड़ा अलग है इधर ग्रीन ग्रीन क्यों दिख रहे हैं क्योंकि ऐसे पानी में रह रहे हैं हाँ सबसे पहले दीदी अब बोलो अभी तक हम कितने क्रोकोडाइल्स देख लिए हम लोग 117 समथिंग हाँ वो हम कितने सारे क्रोकोडाइल्स देख चुके हैं और हाँ और एक चीज फ्रेंड्स हम ये जो सारे क्रोकोडाइल्स हैं वो यहाँ क्यों हैं क्योंकि अगर वो लोग डायरेक्ट ऐसे हैचिंग वाला क्रोकोडाइल को पानी में भेजेंगे तो जो अदर बड़े बड़े क्रोकोडाइल्स या अदर एनिमल्स वो लोग उसको खा सकते हैं या फिर उसको हार्म कर सकते हैं जिससे उसके लाइफ में थोड़ा डेंजर है तो उनको वो पहले यहाँ पे केयर करते हैं हेल्दी बनाते हैं स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और फिर उसको वहाँ पे छोड़ते हैं इससे इनका ग्रोथ बहुत फास्टर होता है परी समझी और ये स्टेजेस दिखाने के लिए भी है लोगों को तो ये जो आप देख रहे हो वो एकदम छोटा था उससे बड़ा 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 ये सबसे बड़ा है यहाँ पे गोरी पूल और मली पूल ये क्या है अरे गोरी का पूल स्विमिंग पूल वहाँ पे हम भी चले जाएंगे स्विमिंग करने और ये मली का पूल क्रोकोडाइल सही थी तेरा दिमाग घुटनों में ये जो आप सामने देख रहे हो ये है मल्ली ये जो मगरमच्छ का नाम है मल्ली और ये व्हाइट कलर का है ओके आगे चलो गौरी को देखते हैं ये मल्ली को देख लिया आप लोगों ने यहाँ पे गौरी के बारे में लिखा है बट अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने गौरी को देख नहीं पाए क्योंकि वो अभी कहीं पे छुप गई है थोड़ा वो शर्मा रही है इसीलिए वो दिखाई नहीं दिया तो ये पीछे आप देख सकते हो आप अगर ऑनलाइन बुकिंग करते हो तो कुछ इस तरह का आपको रूम मिलेगा रहने के लिए चलो चलते बहुत डिफरेंट कैटेगरी का रूम है ये रूम का नाम है हिरन हाउस अभी हम लोग यहाँ पे लंच करने वाले हैं जो होटल का नाम है होटल रेड क्राफ्ट बट आज हम लोग वेजिटेरियन है कार्तिक पूर्णिमा चल रहा है तो नहीं क्राब नहीं खाएंगे हम लोग होटल का नाम रेड क्राफ्ट है बट हम लोग वेज खाने वाले हैं तो इसका नाम नॉनवेज वाले से क्यों हां नॉनवेज चलो ओके बोलो बेटा पापड़ तो हम लोग खाना खा रहे हैं इधर एंड हमारे लंच में है पनीर की सब्जी और परवल और ये बनाने आई थिंक कुछ खट्टा है और दाल चावल पापड़ थोड़ा सा आलू भुजा वो मेरा पापड़ गिर गया और क्या सलाद अभी खाना हो गया ये जो आप देख रहे हो ये पीछे भितरकनिका जो डांगोमाल जो एंट्री है ये वही वाला है और ये साइड पे गाड़ी भी आता है आप इधर पार्क कर सकते हो गाड़ी पार्किंग चार्जेस 50 rupees है और अभी हम लोग अंदर से इलेक्ट्रिक व्हीकल पे जाएंगे अभी हम जो एंट्री किए थे हम दूसरे साइड से एंट्री किए थे तो कोई कोई इधर भी गाड़ी ला के पार्क करके इधर आगे बोट मिलता है आप बोट से जा सकते हो अंदर को ये जो आप देख रहे हो पीछे इसको वाटर मैंगो और पानी आंबो उड़िया में बोलते हैं और ये खाने लायक नहीं है ये पॉइजन है तो ये नहीं खाना है ये आप थोड़ा पास में मैं दिखा देता हूँ ये देखो आप तो जो जो लोग बूढ़ा हो गए हो जिनके पैर में मतलब ताकत नहीं है वो लोग इसमें जा सकते हो हम पहले जाएंगे आप क्या बोलते हो आप यंग हो कि बुढ़ी हो चुके हो मैं बुढ़ी हो गई हूँ तो ये बुढ़ी हो गई ये 20 rupees दे के इसमें जाएंगे आपका बात बताओ क्या है ये दोनों बुढ़े हैं बुढ़िया हैं चलो बैठो फिर चलो अदो तुम भी बुढ़ा हो गए क्या अदो तुम क्या गाड़ी में जाओगे ये बुढ़ा है इसका वाइट बाल है बाय 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 परी वो तो हिरन है ना हाँ एक दो तीन चार पाँच फाइव सात आलू हजार अदू तुमने डियर देखा इतना सारा उधर डियर ऐसे करके दौड़ के चला गया तुमने देखा
देखा? ओहो, हमको तो भाई क्रोकोडाइल देखकर बहुत अच्छा लगा। अभी तक कितने देखे थे हम? 126। अरे हाँ, उसका आदमी देखा था। 26। तो फिर हम आज और भी देखने वाले हैं जाने के टाइम में। क्या पता सेम वाले भी देखें। सेम होगा तो भी काउंट कर लेंगे हमारा क्या। एनीवेज ये बोर्ड दूर जा रहे हैं मामू से और हम लोग मामू को छोड़ के जा रहे हैं। सो बाय बाय। अरे मत खोल मत खोल मत खोल, चले जाएंगे सही में। अरे मामू हमारे साथ नहीं आ पाएंगे, फिर ड्राइव कौन करेगा? माई करेंगे। हाँ एनीवेज बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। और हाँ, अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और यहाँ पे आदि वेट रेडी हो रहा है, कैमरा एंड करेंगे ना। ओके बाय। ये कैसे एंड करेगा? अरे हम दूर जा रहे हैं, जल्दी रुको, पास ले आओ कैमरा। अरे अरे अरे, कहाँ जा रहे हो? ये वाला वीडियो देखे हो कि नहीं? अगर नहीं देखे हो तो फिर जरूर देखना, बहुत मजेदार है।